अब एक्सर वन का क्वेश्चन नंबर फोर डिस्कस करते हैं राइट देशर फॉर्म या फिर रूल मेथड तो पहला जो सेट दिया है इसके एलिमेंट है थ्री सिक्स नाइन एंड ट्वेल्वर्व दिज ऑल मल्टीपल्स ऑफ थ्री दिस इज थ्री टाइम्स वन सिक्स है आपका थ्री टाइम्स टू देन दिस इज थ्री टाइम्स थ्री एंड ट्वेल्व है आपका थ्री टाइम्स फोर तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म हम ऐसे लिख सकते हैं सपोज इस सेट को हम नाम दे देते हैं एट हैज एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू थ्री टाइम्स ऑफ एन वेर हम एन ले सकते हैं एज वन टू थ्री एंड फोर राइट right? तो so, अगर हम वन सब्सिट्यूट करें तो थ्री वन सा थ्री आ जाएगा टू से फिर हमें सिक्स मिलेगा थ्री के साथ नाइन आ जाएगा एंड फोर के साथ थ्री फोर जा सो वील गेट ट्वेल्व सो दिस इज द फर्स्ट सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म नेक्स्ट वाला देखते हैं टू फोर एट सिक्सटीन एंड थर्टी टू नाउ इफ यू ऑब्जर्व दिज ऑल पावर ऑफ टू दिस इज टू रेस टू वन दिस वन इज टू स्क्वेर एट होता है टू क्यूब सिक्सटीन इज टू रेस टू फोर थर्टी टू इज टू रेज टू फाइव तो इसका जो सेट बिल्डर फॉर्म होगा सपोज ये सेट को हम नाम दे देते हैं बी सेट बी हैज एलिमेंट से एक्स सच दैट x इज इक्वल टू टू रेस टू एन तो एन ये पावर है यहाँ पे एंड एन की वैल्यू है वन टू थ्री फोर फाइव न से वेर एन इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर एंड फाइव सो दिस इज द सेकेंड सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म अब अगला सेट देखते हैं इसके एलिमेंट है फाइव ट्वेंटी फाइव वन ट्वेंटी फाइव सिक्स ट्वेंटी फाइव अब ये सारे जो है ये पावर्स ऑफ फाइव है दिस इज फाइव रेज टू वन ये है आपका फाइव स्क्वायर दैट इज ट्वेंटी फाइव वन ट्वेंटी फाइव इज फाइव क्यूब सिक्स ट्वेंटी फाइव इज फाइव रेज टू फोर तो इसका हम सेट बिल्डर फॉर्म ऐसे लिख सकते हैं सपोज इस सेट को नाम दे देते हैं सी सी हैज एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज पावर ऑफ फाइव दैट इज फाइव रेज टू n वेर एन की जो वैल्यू है वेर यू कैन से एन इज इक्वल टू अब पावर्स देखिए वन टू थ्री एंड फोर है सो यू कैन से एन इज इक्वल टू वन टू थ्री एंड फोर अब अगला सेट देखते हैं इसमें एलिमेंट्स है टू फोर सिक्स एंड सो ऑन। तो ये अगर हम ध्यान दें दीज आर ऑल इवन नंबर्स इवन नेचुर नंबर्स है तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं सपोज सेट डी हमने नाम दे दिया इट हैज एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज एन ईवन नेचुर नंबर बिकॉज इस अगर हम इवन नेचुरखते हैं सो so, उसका आंसर आता है टू फोर सिक्स एंड ऑन और इसका कोई लिमिट नहीं दिया एन इनफाइनाइट सेट सो वी सिंपली राइट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर अब अगला सेट देखते हैं इसके एलिमेंट्स है वन फोर नाइन टू हंड्रेड अब ये सारे परफेक्ट स्क्वायर्स है देखिए दिस इज वन स्क्वा टू स्क्वाइन इज थ्री स्क्वायर

एन बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड जो एन की वैल्यू है इट इज लेस देन और इक्वल टू टेन तो जब एन की वैल्यू वन होगी तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी वन स्क्वायर विच इज वन फिर नेक्स्ट टू अगर हम लेते हैं तो टू स्क्वायेयर मिलता है थ्री के साथ थ्री स्क्वायर अप टू टेन लेना है सो so लास्ट आएगा टेन स्क्वायेर विच इज हंड्रेड सो दिस इज द रिक्वायर्ड सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म अब क्वेश्चन फाइव देखते हैं लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स पहला है सेट ए और इसका एलिमेंट है एक्स और एक्स है ऑड नेचुरल नंबर नाउ वी नो दैट द ऑड नेचुरल नंबर्स आर वन थ्री फाइव सेवन नाइन एंड सो ऑन और यहां पे कोई लिमिट नहीं दिया हुआ है तो बेसिकली एक इनफाइनाइट सेट है तो इसके एलिमेंट्स है वन थ्री फाइव सेवन नाइन एंड सो ऑन तो ये आ गया हमारा पहला सेट ए अब अगला सेट है बी जिसके एलिमेंट्स है एक्स वे एक्स इज एन इंटीजर लाइंग बिटवीन नेगेटिव हाफ एंड नाइन बाई टू तो अगर ये हम नंबर लाइन बना देते हैं ये है माइनस हाफ सो वी कैन से दिस इज माइनस जीरो पॉइंट फाइव एंड नाइन बाई टू होता है तो so, हमें सारे इंटीजर्स लिखने हैं इन बिटवीन दीज टू वैल्यूज सो जो नेक्स्ट इंटीजर आएगा इसके आगे दैट वुड बी जीरो तो पहला एलिमेंट आएगा हमारा जीरो फिर आएगा वन देन टू देन थ्री एंड फोर सो अ फाइनल आंसर विल बी जीरो वन टू थ्री एंड फोर सो दिस इज सेट बी विथ इट्स एलिमेंट्स अब अगला है सेट सी और यहां दिया है दिलीमेंट एक्स वे एक्स इज एन इंटीजर सच दैट एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो लेस देन या इक्वल टू फोर होनी चाहिए तो so सपोज ये हम फिर से नंबर लाइन बना देते हैं जीरो से स्टार्ट करते हैं तो जीरो स्क्वाच इज लेस देन अगर हम 1 लेते हैं तो वन इज वन विच इज लेस देन फोर देन इफ यू टेक टू तो टू स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ये भी चलेगा थ्री हम नहीं ले सकते बिकॉज थ्री स्क्वायर होता है नाइन एंड दैट इज ग्रेटर देन फोर तो यहाँ पे तो जीरो वन टू आ गया नेगेटिव साइड पे देखते हैं Let's take minus 1. Minus 1 का स्क्वायर स्क्वायर होता होता है 1, इसका होता है इसका so नहीं ले सकते बिकॉज नेगेटिव थ्री का स्क्वायर होता है नाइन एंड नाइन इज ग्रेटर देन फोर तो सेट सी के जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे नेगेटिव टू नेगेटिव वन जीरो वन एंड टू अब नेक्स्ट है सेट डी इसके एलिमेंट्स ये एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे एल देन ओ फिर वाई देन ए अब एल वापस रिपीट हो रहा है तो वो हम नहीं लिखेंगे

बर ऑक्टोबर नवम्बर एंड डिसम्बर हमें पूछा गया नॉट हैविंग थर्टी वन डेज अब थर्टी वन डेज होते हैं जैन में मार्च में मे ये तो काउंट हम नहीं करेंगे देन जुलाई ऑगस्ट थर्टी वन डेज होते हैं ऑक्टोबर में यू हैव थर्टी वन डेज एंड डिसम्बर यू हैव थर्टी वन डेज हमें पूछा हुआ है नॉट हैविंग थर्टी वन डेज तो इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे दैट वुड बी फेब्रवरी फिर आएगा आपका अप्रैल नेक्स्ट वुड बी जून नेक्स्ट वुड बी सेप्टेंबर और लास्ट आएगा november so these are the elements of set e of set f hai. the element x x is a consonant in english alphabet which precedes k so we have a b c d e f g h i तो के तो हम कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज प्रिस बोला है तो के पहले जो कॉन्सोनेस है अब ए तो बावल है ई इज ऑल्सो अबावल एंड आई इज ऑल्सो अबावल तो बाकी के जो Let us have B, C, D, F, G, H, and J. These are elements honge, Set F. Ke. So, the elements are B, C, D, F, G, H, and J. So, these are the required elements of Set F. Like it, share it, and subscribe to our channel for more such interesting videos. Thank you.